how to examine the sensory system. So sensory system, what it is? It is the part of central nervous system. And what basically it does, when there is any kind of stimulus, it is perceived by the receptors that the information, it will go, it ascends upward with the ascending tracts. Then the processing and the all the things will happen to cortex, and from the cortex the information come back with the descending tract, and we'll perceive the we'll get the response. So I would like to tell you what are the parts of sensory system examination. So these all are the touch headings which we are going to perform for to examine the touch tactile sensation. So first I will do the light touch or fine touch. Secondly, I will do the crude touch, then tactile localization and tactile discrimination. So in light touch, what equipment do we need? So we need a pen for tactile localization. This is the cotton whisk for fine touch or light touch. And this is the special instrument we do have. This is the Von Frese hair esthesiometer. So it has three parts. It contains one hair, and this part we can increase or decrease the length of the hair. So this is the main body of this Von Frese hair esthesiometer, and this is the graduated scale. Some measurements is there, and this is the hair, and this we call the protective cap. So by this we will do the crude touch and tactile localization by use of this pen. So let's begin with the examination. So we will start the sensory examination. So सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगी. मेरा नाम डॉक्टर रितु तिवारी है और मैं आज सेंसरी सिस्टम एग्जामिन करने जा रही हूँ आपके. क्या आप मुझे अलाउ करते हैं एग्जामिन करने के लिए? ओके. सो कंसेंट, वी गॉट द कंसेंट, नाउ वी विल स्टार्ट. तो वी नीड टू इंस्ट्रक्ट द पेशेंट दैट व्हाट प्रोसीजर वी गोना डू ऑन द पेशेंट. तो सबसे पहले हम फाइन टच चेक करेंगे, और फाइन टच में आपकी आंखें बंद रहेंगी और ये बायोलेट्रो करेंगे आपके दोनों हाथों में. वी हैव टू डू दिस विथ कीपिंग इन माइंड ऑल दिस दीज डर्मेटोम्स, लाइक ऑल दीज डर्मेटोम्स, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, T1, T2, देन इन थोरैक्सिक लीवर से लेके पूरा L1 तक, चेनाइन से F3, S4, फ्रंट ऑफ द थाइस पे L2, नीज पे L3, देन L5, L4, L4, L5 अगेन एंड S1, L3. सो वी हैव टू एग्जामिन ऑल दीज पार्ट, बट वॉट आई एम गोइंग टू शो यू इज ओवर द हैंड्स एंड बाय हैंड. अपनी आंखें बंद के नीचे जब भी कॉटन टच होगी तो आपको यस बोलना है आपको कहाँ पे टच हो रहा है. आप ये बता सकते हैं कि आपके लेफ्ट हैंड में टच हो रहा है कि राइट हैंड में टच हो रहा है, या आर्म में टच हो रहा है या फोर आर्म में टच हो रहा है. ओके. सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ फाइन टच. पेशेंट का फाइन टच को परसीव कर लिया उसने, तो दिस इज द पॉजिटिव. नाउ द सेकेंड इज क्रूड टच. क्रूड टच में एज आई टोल्ड यू आई विल यूज दिस Von Frese हेयर एस्थीशियोमीटर. अब अपनी आंखें खोल लीजिए, एक बार से देख लीजिए. देखिए इंस्ट्रूमेंट है ये, हेयर का पार्ट जब आपके हाथों से टच होगा तो आपको वैसे ही बताना है जहाँ भी टच हो रहा है, आपको बॉडी पार्ट बताना है, और वेन भी अब आपको फील कर रहे हैं तो अब बताना मुझे. अपनी आंखें बंद कर लीजिए. ठीक है. सो दिस वॉज द क्रूड टच. नाउ विल डू टैक्टाइल लोकलाइजेशन. टैक्टाइल लोकलाइजेशन में पेशेंट बताएगा उसे कहाँ पर टच हुआ है, अपने दूसरे हाथ से वो बताएगा. दिस इज मतलब उसको कहाँ टच हुआ है वो उसको परसीव कर पा रहा है, और अपने दूसरे हाथ से उसको लोकलाइज कर पा रहा है. तो मैं इस पेन से आपको एक हाथ में टच करूंगा, आपको दूसरे हाथ को वहीं पर लेके बताना है कि मैंने कहाँ पर ये पेन रखा हुआ है. ओके. आंखें बंद कर लीजिए. अभी नाउ वी विल डू ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग हैंड. अपना हाथ ही सीधा. सो ही कैन इजली परसीव द स्टिमुलस. सो वन मोर हेडिंग इज लेफ्ट, tactile discrimination or two point discrimination. I will cover tactile discrimination in next video.